कर दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जो कि अब आप लोग देखेंगे कि किस तरीका से शादी कैंसिल होती हुई नजर आ रही है प्राची और सिड की। क्योंकि दोस्तों, जहां पर प्राची के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन प्राची ने उस दबाव को एक्सेप्ट नहीं किया है और प्राची ने बोल दिया है कि अगर आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं शादी करने के लिए तो मैं सिड से शादी नहीं करूंगी। क्योंकि दोस्तों, ये लोग नहीं मान रहे, क्योंकि प्राची ने यह भी बताया था कि आलिया और रिया पूरी तरीके से फेक हैं, ये पूरे घर को धोखा दे रही हैं। लेकिन रणबीर कि मोम पल्लवी इस चीज़ से सहमत नहीं है और फाइनली अब प्राची ने डिसाइड कर लिया है कि मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा ही, क्योंकि ये मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये किसी और का नहीं है बल्कि ये रणबीर का ही है। लेकिन अगर आप लोगों को कोई शक है तो मैं इसमें ये कर सकती हूँ कि मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ सकती हूँ ताकि रिया इसमें आराम से रह ले, क्योंकि रिया मेरी बहन है, मैं इतना भी कुर्बानी दे सकती हूँ। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि इस समय प्राची के ऊपर जो आरोप लगा रही हैं लगातार आलिया और रिया के कहने पर, पल्लवी बहुत गंदा आरोप लगा रही हैं, क्योंकि जो गुनाह किया ही नहीं है प्राची का, प्राची ने वो गुनाह की सजा भी प्राची को दी जा रही है इस घर में रहते हुए। साथ ही दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि लगातार प्राची को ऐसे ऐसी कंडीशन से गुजरना पड़ रहा है कि जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि प्राची को लगातार ये लोग टॉर्चर पर टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन प्राची इसलिए कुछ नहीं कह रही, कोई बात नहीं, इन लोगों का अभी समय है। साथ ही दोस्तों, जल्दी ही रिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट की बात की जाए तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट को रिया ने चेंज करा दिया है, क्योंकि रिया और आलिया पैसे के बदौलत कुछ भी करा सकते हैं घर में और उन्होंने ये सब कुछ करा लिया है। आप लोग जानते ही हैं कि हमेशा से ही इस गुनाह में रिया का जो पूरी तरीका से साथ दिया है वो साथ किसी और ने नहीं बल्कि वो साथ पूरी तरीका से आलिया ने दिया है, क्योंकि आलिया चाहती हैं कि प्राची इस घर से चली जाए और रिया हमेशा हमेशा के लिए रणबीर के पास ही रहे। साथ ही दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइज, आपको मेरी वीडियो आखिर कैसी लग रही हैं। गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू।